This channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks. Before investing in our predictions, please take advice from your financial advisor. We are not responsible for any of your profit and losses. So सबसे पहले हम बात करेंगे हम भी को कि जो हमने आपको दिया था YouTube channel पे मैंने आपको ये दो stocks <laughs> दिया था पहला इसने जो कि सबसे पहले इसने हमारे short selling side का एक target price achieve किया उसके बाद इसने हमारा के दो टारगेट प्राइस यहाँ पे अचीव कर लिए थे अगर आपने अम्बिको में ट्रेड किया होगा इसमें आपको प्रॉफिट हो काफी अच्छा हो गया होगा मैं अगर विनेटी ऑर्गेनिक्स की बात करूँ तो इसमें आपको शॉर्ट सेलिंग साइड में काफी अच्छा देखने को मिला होगा इसमें काफी अच्छा एडिशनल पॉइंट्स भी दिए आपको कुछ फाइव टू टेन पॉइंट्स आपको हमारे तीनों टारगेट प्राइस अचीव करने के बाद अगला था हमारा सोलारा जिसमें हमें बाई साइड में दो टारगेट प्वाइज सबसे पहले हमारे बाई साइड के दो टारगेट प्राइस यहाँ जाके अचीव हुए शॉर्ट सेलिंग साइड में आपको शॉर्ट सेलिंग का टारगेट यानी कि यहाँ के करीब शॉर्ट सेलिंग का टारगेट अचीव होने के बाद भी आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए थे अगर आपने होल्ड किया होगा तो आपको काफी अच्छा प्रॉफिट मिल गया होगा फोर्टी टू टर्टी पॉइंट्स आपको मिल गए थे इसमें एडिशनल शॉर्ट सेलिंग के टारगेट के बाद यानी कुल मिला के एट्टी टू नाइनटी पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट हो गया था अगर मैं बी की बात करूं तो इसमें हमारा बाई साइड के दो टा तीनों टैगेट प्राइज़ यहां जाके अचीव हो गए थे इजीली 1150 का हमारा तीसरा टारगेट प्राइस था वो इजीली अचीव हो गया था काफ़ी देर का होल्ड था इसने अगर आपको काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है हो, वो एकदम नहीं निकल पाते तो फर्स्ट थर्ड थर टारगेट प्राइज़ अचीव होने के बाद तीन चार पॉइंट नीचे ही ट्रेड से बाहर आ पाते हैं बट इसमें आपको काफ़ी देर का होल्ड मिल गया था तो आपको ईजिली तीसरे टारगेट प्राइस पे आप बाहर आ गए होंगे और शॉर्ट सेलिंग साइड में हमारे दो टारगेट प्राइस इजिली अचीव हो गए थे जो हमारा तीसरा टारगेट प्राइस था उससे कुछ थ्री या फोर पॉइंट रह गया बट ओके बाइंग और शॉर्ट सेलिंग मिला के आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इसमें भी हो गया होगा तो देखिए सिंपली क्या करना होता है आपको जो भी मैं स्टॉक्स का लेवल देता हूँ जब लेवल ब्रेकआउट होता है तभी आपको बाय करना होता है बिना लेवल ब्रेकआउट हो आपको बाय नहीं करना होता तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे अब कल के स्टॉक की यानी कि 22 फेब फाइव टू के स्टॉक्स की हम बात करेंगे सबसे पहला स्टॉक जो मैंने आपके लिए चुना है वो है एबीबी इसे आप बाय करके चलेंगे जब लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा फिफ्टीन हंड्रेड थर्टी टू पॉइंट फाइव जीरो का टारगेट रहेगा फिफ्टी हंड्रेड थर्टी एट फिफ्टी हंड्रेड फिफ्टी और फिफ्टीन हंड्रेड सिक्सटी फाइव पाया आप ही ले अगर आपसे मान लीजिए एक साइड की मूवमेंट काफी ज्यादा हुई है बट आपसे वो मूवमेंट छूट गई है आप स्टॉक पर वॉच लिस्ट में था बट आप उस पर ट्रेड नहीं ले पाए तो शॉर्ट सेलिंग की साइड बाय की साइड आप ट्रेड नहीं ले पाए तो शॉर्ट सेलिंग की साइड ट्रेड लेकर आप एक ना एक टारगेट प्राइस यानी कि कुछ ना कुछ अर्न करके आएंगे इसलिए पहला टारगेट प्राइस मैं हमेशा स्मॉल रखता हूँ इसका स्टॉप लॉस रहेगा फिफ्टीन हंड्रेड फिफ्टीन का यानी कि फिफ्टी हंड्रेड फोटीन पॉइंट फाइव जीरो पे आप इसका हिट स्टॉपलसिटार्केट से बाहरेंगे एक्जेक्ट फिफ्टीन हंड्रेड फिफ्टीन पे अपना स्टॉपलस नहीं मानेंगे और फिफ्टी हंड्रेड थर्टी टू पॉइंट फाइव जीरो पर आप इसे बाय करेंगे एक्जेट फिफ्टीन हंड्रेड थर्टी टू पर आप इसे बाय नहीं करेंगे शॉर्ट सेलिंग का लेवल रहेगा फिफ्टीन हंड्रेड टेन का यानी कि फिफ्टीन हंड्रेड नाइन पॉइंट फाइव जीरो पे आप इसे शॉर्ट सेल करेंगे टारगेट रहेगा फिफ्टीन हंड्रेड फोर का फोर्टीन हंड्रेड नाइनटी टू और फोर्टीन हंड्रेड एटी फाइव का लास्ट टारगेट प्राइस रहेगा पहला टारगेट प्राइस अचीव होती है आप अपना स्टॉप लॉस जो है या तो बाइंग प्राइस या शॉर्ट सेलिंग प्राइस पे शिफ्ट करेंगे या फिर फर्स्ट टारगेट प्राइस पे शिफ्ट करेंगे डिपेंड करता है आप पे वैसे फर्स्ट टारगेट प्राइस पे शिफ्ट करना ज्यादा बेटर है अगर मान लीजिए स्टॉक नीचे आने लगे फर्स्ट टारगेट प्राइस अचीव करने के बाद तो आपका जो अमाउंट आपने अर्न किया है वो आपसे जाएगा नहीं अगर आप मॉडिफाई नहीं कर सकते तो आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि अगर दोबारा से फर्स्ट टारगेट प्राइस पे आता है ऊपर जाने के बाद या फिर नीचे आने के बाद दोबारा से फर्स्ट टारगेट प्राइस पे आता है तो आप उस स्टॉक को तो आप उस स्टॉक को बेच देंगे स्टॉप लॉस है हमारा फिफ्टीन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव यानी कि फिफ्टीन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव जीरो पर आप इसका एसल हिट मानकर ट्रेड से बाहर आएंगे तो लोगों की प्रॉब्लम होगी कि ये जो बड़ा स्टॉक है इतने बड़े स्टॉक में हम ट्रेड नहीं कर सकते तो हम फोर हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड की रेंज में भी स्टॉक प्रोवाइड करते हैं मॉर्निंग में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा आप हमें कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा मॉर्निंग में जो मैं पाँच चार से पाँच कॉल देता हूँ तो उसके बारे में डिस्कसन हम व्हाट्सअप पे ही करेंगे यहाँ पर मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ बट ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि पंद्रह से बीस पॉइंट आपको वहाँ पर मिल जाते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं अब आप अपने बाइंग और शॉर्ट सेलिंग में ला के से बीस पॉइंट आपको मिल जाते हैं अब आप अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लगा सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है डेली का टू थाउजेंड टू फोर थाउजेंड आपका तय अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शन को बराबर फॉलो करते हैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा ज्वाइन जरूर जाएगा क्योंकि मॉर्निंग में दो कॉल्स में वहीं पे पर देता हूँ एम की मैं बात करूँ तो एलेवन हंड्रेड नाइनटी का लेवल है इसका बाय साइड का टारगेट रहेगा 1199, हंड्रेड और ट्वेल्ल का आखिरी टारगेट पास रहेगा स्टॉप लॉस रहेगा एवनवरड का शॉर्ट सेलिंग का लेवल रहेगा इसका एलेवन टारगेट रहेगा एलेवन सेकंड टारगेट पास रहेगा एवन रहे सेकेंड टारगेट प्राइस रहेगा आपका इलेवन हंड्रेड का इलेवन हंड्रेड सिक्सटी का आपका लास्ट टारगेट प्राइस रहेगा ध्यान रखिएगा जो लेवल्स मैंने अभी आपको बताए थे कि ऐसे ब्रेकआउट होंगे वही इसमें भी होगा और वही टेलीग्राम चैनल के लेवल्स में भी होगा शॉर्ट सेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा आपका इलेवन हंड्रेड नाइनटी टू का यानी कि इलेवन हंड्रेड नाइनटी टू पॉइंट फाइव जीरो का आपका स्टॉप लॉस रहेगा ध्यान रखिएगा ये जो मैंने अभी आपको बताए हैं इन चीज को फॉलो जरूर कीजिएगा वरना आप हो सकता है कि लॉस खा जाए तो आज के लिए बस इतना ही उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए इसमें जितना हो सके कमेंट कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद